कार इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। उन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन पेंट लिमिटेड के बारे में। एशियन पेंट लिमिटेड में आज के दिन दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ चुका है। डायरेक्टली हम उस न्यूज़ को पढ़ जाने से पहले अगर हम स्टॉक की कुछ परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन बाजार में इतने अच्छे खासे तेज़ी होने के बाद भी और ये कंपनी इंडेक्स के पार्ट होने के बाद भी उस स्टॉक में हमें कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। आप ऐसा बोल सकते हो कि बाजार के आगे जाके हमें एशियन पेंट में लगभग 101% के हमें नेगेटिव गिरावट ही देखने को मिला था। अगर हम पिछले 5 दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 0.25% की गिरावट, और अगर हम इस गिरावट की भी बात करें तो पूरे 5 दिन के लिए 14 और 15 सितंबर, यानी कि 2 दिन में स्टॉक में लगभग टॉप लेवल से 2.5 या 3% के आपस स्टॉक में आपको एक तरफा एक करेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या, क्योंकि जबकि पूरे बाजार में इतनी शानदार तेज़ी है और ये इंडेक्स के पार्ट होने के बाद भी इन स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम की जगह में स्टॉक में एक नेगेटिव करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न की अगर बात करें तो दो मेन रीज़न है, जो कि आने वाले टाइम में ये रीज़न और भी आपको शायद से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। उसमें से पहला रीज़न की बात करें तो दोस्तों, बिरला ग्रुप, इस ग्रुप को तो मतलब हर किसी को पता ही है कि बहुत बड़े ग्रुप है, जैसे टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप और भी महेंद्र ग्रुप, जिस प्रकार के हमें बड़े बड़े ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी दोस्तों कोई ऐसी वैसी ग्रुप नहीं है, ये भी बहुत बड़े ग्रुप है। तो इसकी भी बहुत सारी कंपनी हमें देखने को मिल जाते हैं अनलिस्टेड मार्केट में भी और लिस्टेड मार्केट में भी। ये इतने बड़े ग्रुप होने के बाद भी, इतने सारे इंडस्ट्री में, इतने सारे सेगमेंट में, इस ग्रुप के इतने सारे कंपनी होने के बाद भी ये कंपनी और एक न्यू कंपनी में आपको एंटर करते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर किसी को पता है, क्योंकि आदित्य बिरला ने दोस्तों इस ग्रुप ने 2022 में एक अनाउंसमेंट उन्होंने किया था कि 2023 में हम पेंट सेक्टर में हमारे इतने सारे कंपनी होने के बाद भी हम और एक न्यू सेगमेंट में या फिर सेक्टर में हम इंटर करते हुए देखने को मिल जाएगा, जो कि 2023 में। उसी से जो कि उनके चलते उन्होंने 10,000 करोड़ के उन्होंने कैपेक्स भी किया था, और हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने और 10,000 करोड़ के हमें और 10,000 के हमें कैपेक्स दोबारा से करते हुए भी देखने को मिला। ये जो सारे चीज़ें हमें देखने को मिला था कि कंपनी 2023 तक वो पेंट इंडस्ट्री में अपना धाबा या फिर आप बोल सकते हो कि अपना इंटर करते देखने को मिल जाएगा। उसी से रिलेटेड 14 सितंबर को, यानी कि 2 दिन पहले, एक बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल के आ चुका, तो उसके डेट निकल के आ चुका है दोस्तों। Q4 फाइनेंस ईयर 2024, मैं कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि अभी स्टार्टिंग है दोस्तों। आने वाले आप बोल 6 से 7 महीने के बाद आपको बिरला ओपस, जो कि इस कंपनी के नाम रहेंगे, तो इस नाम से आपको कंपनी के पेंट इंडस्ट्री के नाम आपको देखने को मिलेगा, जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक्स, इस प्रकार के आपको नाम देखने को मिल जाते हैं पेंट कंपनी के। तो सेम बिरला ग्रुप के जो कंपनी रहेंगे पेंट सेक्टर में, वो दोस्तों बिरला ओपस के नाम से आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगा। कब तक? अब दोस्तों आने वाले 6-7, मैक्सिमम आप 8 मत मान लो, यानी कि नेक्स्ट ईयर से आपको ये सारे चीज़ें, एक और न्यू कंपनी आपको पेंट इंडस्ट्री में योगदान है फिर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके चलते आप बोल सकते हो जितने भी पेंट वाले कंपनी, जो कि बाजार में लिस्टेड भी है, जो कि अनलिस्टेड भी है, लेकिन हम उन्हीं को फॉलो करते हैं जो बाजार में लिस्टेड है। लिस्टिंग के हिसाब से बात करें तो एशियन पेंट की बात करें, बर्जर, नेरोलैक्स और एक्जोनेबल, जो भी मतलब थोड़ा अच्छे साइज की कंपनी जो कि अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है, जिनके अच्छे खासे मार्केट शेयर भी है, तो क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? तो डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? तो दोस्तों आप अगर निचले स्तर से देखोगे तो इनके ऊपर तो आएगा ही आएगा, पर जो बड़े बड़े कंपनी है, एक्जोनेबल, नेरोलैक्स और बर्जर पेंट, इन तीनों के ऊपर बहुत ही बड़े आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद बिरला ग्रुप ने कहा कि हमारा जो टारगेट रहेगा ये सीधा सेकेंड पोजीशन पर आने के लिए कुछ ही साल, इसके लिए टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं, परफॉर्मेंस भी देखना पड़ता है, पर उनका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा सीधा सेकेंड तक जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एशियन पेंट को हम टक्कर अभी तो नहीं दे सकते, बट हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो बर्जर पेंट, उसके बाद धीमे धीमे करके हम नंबर वन बनने की कोशिश करेंगे, और उनके लिए भी बहुत सालों साल लग सकता है। तो इसके चलते इन जो छोटे छोटे कंपनी एशियन पेंट के नीचे, तो उनके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा आएगा, वो भी डायरेक्टली। अब देखना पड़ेगा कंपनी लिस्टेड होने के बाद कि कंपनी किस प्रकार के मार्केट शेयर गेन कर रहा है, क्योंकि एशियन पेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने कहा नहीं इसका, यानी कि कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोई भी कंपनी जब बाजार में और एक प्लेयर आता है तो लोगों के पास चॉइस आ जाता है, लोग एक दूसरे ब्रांड के ऊपर ज़रूर आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट तो आपको ज़रूर होते हुए देखने को मिल जाएगा, जिनके चलते एशियन पेंट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, बहुत ही मिनिमम, एक बूंद सा आप बोल सकते हो,
अगर मान लो एशियन पेंट के इतने बड़े मार्केट्स हैं तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको एशियन पेंट में भी ज़रूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बिरला ग्रुप की बात करें तो कोई ऐसी वैसी ग्रुप नहीं है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे देखने को मिल जाते हैं। सो ये तो हो गया पहला न्यूज़। अगर हम बात करें दूसरी न्यूज़ को तो क्रूड ऑयल की प्राइस, हाल ही में आपने 83 के आसपास हमने कवर किया था, अभी लगभग 94 ब्रेंड की अगर हम बात करें, जो कि हम इंडिया वाले मंगाते हैं। सो नो डाउट ये जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा दोस्तों पेंट कंपनी के लिए रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा इस कंपनी के लिए, सिर्फ एशियन पेंट के लिए, जितनी भी पेंट वाली कंपनी केमिकल वाली कंपनी उनके लिए तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, ये ज़रूर दिस ये कोई परमानेंट नहीं है, ये अगर 100 के ऊपर भी चला जाए तब भी सारी चीज़ें मैनेज हो जाता है, लेकिन ये जितना अगर लगातार इंक्रीज़ होता है तो उसके चलते आप ऐसा बोल सकते हो कि कंपनी के एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाता है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ता है, अगर उनको प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो डिमांड में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है, जिनके चलते कंपनी के हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत कमियाँ देखने को मिलेगा। तो मैं अगेन रिपीट करो, इसके चलते किसी भी कंपनी के मतलब कोई ख़त्म होने वाली कंपनी है, ये चीज़ें चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस के हिसाब से तो क्रूड ऑयल की प्राइस जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इन कंपनी के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो ज़रूर आपको देते हुए देखने को मिल सकता है। सो इन सारे चीज़ों को जोड़ के अगर देखा जाए तो क्या एशियन पेंट में इस न्यूज़ के चलते जो दो न्यूज़ मैंने आपको दिखाया है तो पैनिक करने की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इस न्यूज़ के चलते आपको 1% की पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन नो डाउट जो न्यूज़ हमने कवर किया कि फर्स्ट और एक न्यू कंपनी, कोई ऐसी वैसी कंपनी बिरला ग्रुप की कंपनी, 6-7 महीने बाद आपको एक न्यू प्लेयर पेंट सेक्टर में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट तो ज़रूर है हर कंपनी के लिए, हर पेंट कंपनी के लिए। दूसरा क्रूड ऑयल की प्राइस जो कि लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके चलते कोई भी कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली, लेकिन नो इसके चलते थोड़ा बहुत आपको इन स्टॉक में प्रेशर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। स्टॉक में और भी गिरावट आता है, जो कि बीच में स्टॉक 25% गिरा था, मैंने खुद आपको बताया था कि बिंदास बाय करके चल सकते हो, और फिर स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाया। अभी स्टॉक कितना गिरा है, लगभग 10% के आता है, चाहो तो एक स्टॉल में लगा के चल सकते हो, क्योंकि और 10% गिर जाए तो और एक स्टॉल में, और 10% गिर जाए, जिनके चांसेस बहुत कम है, जितना गिरे स्टॉक हो स्टॉल में अगर आप खरीद के रख दोगे और अगर आप होल्ड करोगे तो ये कंपनी लॉन्ग टाइम में अप्स एंड डाउन्स में आपको ऊपर ही जाते देखने को मिलेगा। शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम दोनों टाइम के लिए आप इन स्टॉक के बारे में कंसिडर कर सकते हो। देन एमटा टेक्नोलॉजी, सो एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्राइडे के दिन बाजार में इतने अच्छे खासे तेजी होने के बाद भी पूरे दिन भर स्टॉक फ्लैट चल रहा था, लेकिन सडनली स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, लगभग 3-3.5% की गिरावट। पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, 5 दिन में स्टॉक में लगभग 10 या 10.5% या उससे भी ज़्यादा स्टॉक में हमें एक तरफा करेक्शन देखने को मिला। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, सो इसके पीछे का कोई भी दोस्तों मेजर रीज़न नहीं है, बहुत ही नॉर्मल रीज़न है, जो कि मैं गिरावट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि अगर आप इसके 5 दिन की परफॉर्मेंस देख रहे हो ना, इसी के चलते आपको स्टॉक में गिरावट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पुराने परफॉर्मेंस को देखोगे, जैसे कि पिछले 1 मंथ में 15% की तेजी, 6 मंथ में लगभग 57%, 1 साल की बात करें सेम 57%, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात करें मतलब जब से ये कंपनी लिस्टिंग हुआ 153% रेट है, तो स्टॉक में गिरावट क्यों होती है दोस्तों, ये नॉर्मल स्टॉक ही पार्ट है। स्टॉक इतने भागने के बाद स्टॉक में इस प्रकार की गिरावट आएगा ही आएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। स्टॉक में अगर और भी 10% गिर जाए तब भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कंपनी बिजनेस वाइज बहुत ही शानदार है, 4 मेन कोर सेगमेंट देखने को मिलता है, चारों के चारों बहुत ही सॉलिड सेगमेंट है, और चारों सेगमेंट से अच्छे खासे कंपनी के इनकम भी आता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों सेगमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है। ये तो अभी जो शुरुआत ही है, 150% कुछ भी नहीं है, इसमें 1500, 3000, 10000% की भी ये रिटर्न बना देने की क्षमता इसमें रखता है, मतलब बहुत शानदार कंपनी है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो ये अगर आपने टॉप पे जल्दबाजी में खरीदा है, इसका जो टॉप बना था लगभग 2920 के आसपास, तो किसी ने अगर खरीदा टॉप पे एकदम बॉटम पे, तो प्लीज़ होल्ड कीजिए, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा तब से बोल रहा हूँ, स्टॉक 1200 तक आए थे, आधा 50% क्रॉस, तो सेम जिन्होंने आज सिर्फ होल्ड भी किया होगा या फिर थोड़ा बहुत एवरेज भी, उनको आज भी अच्छे खासे प्रॉफिट हो, तो किसी ने टॉप पे खरीदा तो प्लीज लॉस में मत बेचना दोस्तों, बहुत ही मतलब इतनी शानदार कंपनी जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ही मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, और ऐसे कंपनी को अगर सिर्फ गिरा है इसके चलते लॉस में बेच दोगे तो बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाला है। तो अच्छी कंपनी है, बिंदास बने रहना। अगर हम स्टॉक की और मतलब टेक्निकल की बात करें तो 2500 के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, हाँ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं टेक्निकल के हिसाब से तो थोड़ा सा और गिरावट बन सकता है, बट चांसेस बहुत ही कम है, तब तक जब तक कंपनी की Q2 का नंबर ना आए, या फिर बाजार में अगर बहुत ही ज़्यादा गिरावट आता है, बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आता है, तभी जाके ये लेवल ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज स्टॉक आपको इसी रेंज में हो सकता है, और दोस्तों हो सकता है स्टॉक इसी रेंज में मतलब रेंज बाउंड करे और फिर से एक ऐसी तेजी आए जो कि यहाँ पे आता सीधा 3000 को ब्रेक करके स्टॉक 3500, तो इतना कहना चाहूँगा जब जो कंपनी अच्छी है अगर आपने उसमें बाय किया होल्ड कीजिए, वो आपको रिटर्न बना के ज़रूर दे देगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी। सो KPIT की बात करें, फ्राइडे के दिन सेम फ्लैट परफॉर्मेंस, 5 दिन में सेम फ्लैट परफॉर्मेंस,
एक मंथ की भी बात करें तो आपको सेम फ्लैट ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको एक मंथ के दो मंथ पहले आपको बता दिया था, स्टॉक में अभी कोई भी फ्रेश एंट्री एक भी शेयर फ्रेश बाय मत करना स्टॉक में, और मतलब तेज़ी आने के चांसेस बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार के स्टॉक में एक एक साल में देखोगे, छः छः महीने में देखोगे या फिर पाँच पाँच साल में देखोगे, हज़ार हज़ार परसेंट स्टॉक एकदम टॉप पे है, तो टॉप पे खरीदना बहुत ही बेवकूफ़ी है दोस्तों। अगर किसी को एंट्री लेनी है तो इस प्रकार के मौका आने दो, अदरवाइज़ Q2 के नंबर देख लेना, उसके बाद 1200 की जगह स्टॉक को 1300 भी खरीद लो तो भी आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होगा। ब्लाइंडली खरीदोगे तो वो मतलब आगे जाके आप ही को दिक्कत हो सकता है।